अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पाकिस्तान फेयर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है फेडरेशन। फेडरेशन को हम जो है वो उसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके साथ हम बाकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द सेंटर एंड यूनिट्स रिलेशनशिप वो देखेंगे, उसके साथ हम देखेंगे कि फेडरेशन के इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या हैं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है ऑन द बेस ऑफ रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड द यूनिट वो कितने हैं। हमारे पास तीन तरह की गवर्नमेंट है। एक है फेडरेशन। फेडरेशन में जो है गवर्नमेंट दो लेवल पे जो है वो होती है, यानी कि एक सेंट्रल लेवल पे और एक प्रोविजनल या जो स्टेट्स लेवल होता है या जो यूनिट्स होती हैं उस लेवल पे जो होता है गवर्नमेंट होती है, यानी कि एट द टू लेवल जो गवर्नमेंट जब एग्जिस्ट करती है तो कहते हैं कि फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज द फेडरल। कॉन्फेडरेशन में ये होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाते हैं। इसमें सम हाउ जो है वो डिफरेंट कंट्रीज इकट्ठे होते हैं, जस्ट लाइक लीग ऑफ नेशन और यू कैन से लाइक द यूरोपियन यूनियन, दिस इज काइंड ऑफ द कॉन्फेडरेशन। फेडरेशन की एग्जाम्पल जो है ये पाकिस्तान, इंडिया और यूएसए की आप ले सकते हैं। कॉन्फेडरेशन में जितने भी आप ये एक वन यूनिट सिस्टम आता है उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। इन दोनों का एक मेजर डिफरेंस ये है कि फेडरेशन में जो सेंटर है वो वीक होता है और उसके जो मेंबर्स यानी कि जो यूनिट्स, सॉरी सेंटर जो है वो स्ट्रांग होते हैं, जो यूनिट्स और मेंबर्स होते हैं उसके वो वीक होते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्फेडरेशन में क्या होता है कि जो सेंटर होता है वो वीक होता है, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में मिल के विद द हेल्प ऑफ डिस्कशन जो है वो अपने लिए रूल्स बनाते हैं। और यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास प्रोविजनल जो सिस्टम है ना वो खत्म होता है, यानी कि सारी की सारी पावर होती है वो सेंटर के पास होती है, ठीक है। यानी कि जो एक सेकेंडरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो इनके पास नहीं होता। तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हम फर्दर इनको इन डिटेल डिस्कस जरूर करेंगे, बट आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज द फेडरेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वॉट इज द फेडरलिज्म। A system of the government in which same territory is controlled by the two level of the government, yani ki central government or provisional government, theek hai, is known as the federalism. Isko hum kehte hain jo government at a central level and a government at the provisional level. Federation kaun kaun si countries mein exist karti hai? Pakistan, India, Brazil, Switzerland, Australia, Canada, extra mein aap jo federal government hai wo एग्जिस्ट कर रही होती है। यूएसए में भी जो है वो फेडरल लेवल, ठीक है। फेडरेशन इज एसोसिएशन ऑफ अ स्टेट दैट फॉर्म अ न्यू वन, यानी कि ये हैमिल्टन ने ये कहा था कि फेडरेशन एक ऐसा सिस्टम है स्टेट्स का, इसमें एसोसिएशन की स्टेट्स की ऐसी है जिससे एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी डेवलप होती है, यानी कि सेंट्रल लेवल पे तो ऑलरेडी है ही है बट प्रोविजनल लेवल पे भी वो जो है वो डिवेलप होती है। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल फेडरेशन, या फिर आपसे मेरिट्स पूछे जाते हैं या फिर एडवांटेजेस पूछे जाते हैं, एल्स आपसे ये पूछा जाता है कि विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज द सुटेबल फॉर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज द फेडरल, और उसको आप जस्टिफाई कैसे करते हैं इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से, इन्हीं मेरिट्स की मदद से। यही जो पॉइंट्स हैं आपने वहाँ पे एक्सप्लेन करना होते हैं। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट आपने करना क्या होता है कि आपने अपनी एक केस स्टडी डेवलप करनी होती है जिसमें आपने सिर्फ ये बताना होता है कि आपके पास फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स कौन कौन सी हैं और प्रिवेलिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी हैं और पाकिस्तान के लिए कौन सी सूटेबल है और पाकिस्तान के लिए सूटेबल होने की रीजंस क्या क्या है, ठीक है। उस अगर लिहाज से भी आपका क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको ऐसे अटेम्प्ट करना है, बट अगर सिंपल एडवांटेजेज या मेरिट्स पूछे जाए या करेक्टरिस्टिक्स पूछे जाए तो उसमें भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिवीजन ऑफ द पावर। वो मैंने पहले ही आपको बताया है कि सम हाउ हमारे पास जो पावर है वो जो होती है वो डिवाइडेड होती है बिटवीन सेंट्रल एंड द प्रोविजनल लेवल, ठीक है। इधर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट पावर दैट द फेडरल अथॉरिटी शैल हैव एंड द लीव द रिमेनर टू द फेडरेटिंग यूनिट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में या तो ये लिखा हुआ होता है कि जो फेडरल अथॉरिटी है उसके पास जो है वो पावर होगी और जो रिमेनिंग पावर होगी वो फेडरेटिंग यूनिट के पास होगी, एल्स या ये लिखा हुआ होता है कि फेडरेटिंग यूनिट्स के पास पावर्स होंगी, रिमेनिंग जो होंगी वो फेडरल अथॉरिटी के पास होगी, ठीक है। हम लोग जो रिमेनिंग पावर होती है उसको रेजिडरी पावर्स कहते हैं,
करते हैं। तो यहाँ पे अभी ये बताया गया कि जो फर्स्ट मेथड है यानी कि जिसमें ये लिखा गया था सेंट्रल पावर जो अथॉरिटी है वो जो मेन अथॉरिटी है वो फेडरल के पास होगी और रेजिडरी पावर जो है वो प्रोविंसेस के पास होगी, वो सिस्टम अमेरिका में करता है अभी जो है वो मेंटेन है, और जो सेकेंड सिस्टम है वो कनाडा में जो है वो मेंटेन है। इसी तरह पाकिस्तान में भी जो है वो है, और पाकिस्तान में भी के ही है, पाकिस्तान में प्रॉपर जो लिस्ट है वो डिवाइड कर दिए कि ये सेंटर के पास और ये प्रोविंस के पास। नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेट गवर्नमेंट। एक सेपरेट गवर्नमेंट होती है, फेडरल की अपनी गवर्नमेंट होती है, फेडरल का अपना पार्लियामेंट होता है, और प्रोविजनल लेवल पे जो है वो प्रोविजनल असेंबली होती है, फेडरल लेवल पे अपना एग्जीक्यूटिव होता है, अपनी जुडिशरी होती है, सेम जो है वो प्रोविजनल लेवल पे अपनी पार्लियामेंट और प्रोविजनल असेंबली जो होती है और एग्जीक्यूटिव होती है, और जुडिशरी जो होती है प्रोविजनल लेवल पे अपनी होती है। सेपरेट एग्जीक्यूटिव आल्सो प्रेसिडेंट देयर, यानी कि वही बात है कि जितने भी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो सारे सेपरेट सेपरेट दो लेवल्स पर मौजूद होते हैं। रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन मीन कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन होता है, यानी कि जैसे ब्रिटेन क्या है कि वो अनरिटन है, अनरिटन तो नहीं कह सकते आप बट मोस्टली अनरिटन कह सकते हैं, तो वो जो है वो अनरिटन है। बट जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसकी एक जो है वो मेरिट कैरेक्टरिस्टिक ये भी होते हैं कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन होता है, ठीक है, उसमें बताया हुआ होता है कि कौन कौन से जो है वो काम, कौन कौन से जो लिस्टें हैं वो फेडरल के पास होंगे, कौन कौन से काम जो है वो प्रोविंसेस के पास होंगे, ठीक है। यानी कि फर्स्ट इसकी एक रिजिड होता है कॉन्स्टिट्यूशन से, सॉरी रिटन होता है कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड ये होता है कि रिजिड होता है, रिजिड का मतलब ये है कि इफ यू वांट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि अपनी फेडरेटिंग यूनिट्स जो आपके अंडर जो प्रोविंसेस लेवल है आपको उनसे पूछना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है डेट इज द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों? क्योंकि उसके जो 50 स्टेट्स हैं जब तक वो 50 स्टेट्स जो है वो अलाउ नहीं करेंगे उनमें अमेंडमेंट नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फेडरल हमारे पास सिस्टम होता है उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, जो फेडरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो जुडिशरी होती है वो इंडिपेंडेंट होता है। ऑन द अदर हैंड जो यूनिटरी मॉडल होता है उसमें जुडिशरी का कोई रोल नहीं होता। The federation, there is a possibility of the constitutional dispute arising between the federal center and the units or the between one unit or another. Somehow ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ conflicts arise हो रहे होते हैं between units or center and units, ठीक है, तो उन जो disputes हैं उनको खत्म करने के लिए जो जुडिशरी है वो अपना रोल जो है वो प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मरबरी वर्सेज मेडिसिन केस जो यूएसए में हुआ था 1803 में, वो ये बताता है कि जो जुडिशरी है उसने अपना जो है ना वो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू जो है इस इशू को रिजॉल्व किया था। या आप पाकिस्तान में देखो तो जो रिसेंटली इशू इंसिडेंट हुआ है डेट इज द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंट इन पाकिस्तान, जिसमें जो है प्राइम मिनिस्टर जो थे, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो है वो असेंबली को रिजॉल्व करने का ऑर्डर दे दिया था, बट आफ्टर जुडिशियल जो है उनके रिव्यू की वजह से जो है इसको चेंज किया गया है। तो ये हमारे पास इंसिडेंट दो एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद प्रोविजनल अटॉनमी है। प्रोविजनल अटॉनमी का मतलब ये कि प्रोविंसेस जो है वो सॉवरन हो गया, यानी कि उनके पास पावर्स आ गई है, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गया है, प्रोविजन आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन द सेंटर, ठीक है। तो 18 अमेंडमेंट जो है वो एक ऐसी अमेंडमेंट है जिसमें जो पाकिस्तान की जो 18 अमेंडमेंट 2010 में आसिफ जरदारी की जो एरा था उसमें हुई थी, और उसमें ये जो प्रोविंस थे उनको जो है वो ऑटोनमस यूनिट्स के किरार दिया गया है। उसमें बहुत सारी जो चेंजेस थी वो ऐसे की गई हैं कि जो प्रोविंस थे उसको अथॉरिटी दी गई है, उसको कुछ लिस्ट से कुछ जो फेडरेशन लिस्ट उसको सेपरेट किया गया है, और जो प्रोविजनल लिस्ट उसको सेपरेट किया गया है, और प्रोविंसेस को जो है वो सॉवरन यानी कि प्रोविजनल अटोनमी जो है वो प्रोवाइड की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो सॉवरेंटी ऑफ द सेंटर। जो सेंटर है वो भी सॉवरन होता है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप देखें कि डिफेंस जो है वो सेंटर के पास है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी जो है वो सेंटर के पास है, तो वो सॉवरन है, उसमें जो सेंटर है उसमें वो सॉवरन है, उस पर कोई जो है वो फेडरेशन जो उसकी फेडरेटिंग यूनिट्स है उसकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि वो इस काम में ऐसे करे, क्योंकि जो फेडरेशन सिस्टम होता है उसमें ये होता है कि जो फेडरेटिंग लिस्ट होती है वो सेपरेट होती है, प्रोविजनल लिस्ट सेपरेट होती है, सो दोनों जो है वो इंडिपेंडेंटली और पैरेललली काम करते हैं, ठीक है।
एग्जिस्टेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, डेमोक्रेसी कैसे जो है वो एग्जिस्ट करती है फेडरेशन में, क्योंकि MNEs यानी कि मेंबर ऑफ जो नेशनल असेंबलीज होते हैं, ये जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, या फिर प्रोविजनल या जो यूनिट्स फेडरेटिंग यूनिट्स लेवल पे जो होते हैं मेंबर्स होते हैं, उनको पीपल जो है वो इलेक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन इलेक्शन, और जब ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो वो कॉमन लोगों की रिप्रेजेंटेशन करेंगे गवर्नमेंट में। तो इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी जो है उसको डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी जो होगी वो डिवेलप होगी, ठीक है। यानी कि अगर हर एरिया में से लोग उठ के गवर्नमेंट में जाएंगे और अपने अपने एरियाज के इश्यूज बताएंगे और डिस्कस करेंगे जो है गवर्नमेंट में, इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क जो है वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है जी, इक्वालिटी अमंग द फेडरेटिंग यूनिट। सम हाउ जो गवर्नमेंट है वो फेडरेशन में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेती है जिससे जो यूनिट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं, यानी कि जो उनमें इक्वालिटी है वो मेंटेन रहती है। और पाकिस्तान में अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो NFC अवार्ड है, जो कि बनाया गया था इकोनॉमिक जितनी भी डिस्पैरिटीज थी उनको खत्म करने के लिए, और NFC ने जो है तमाम यूनिट को इक्वालिटी बेस पे जो है वो इकोनॉमिक जो है उनकी बजट जो है वो डिवाइड कर दिया था। और ये किस किस पे डिपेंड किया था, एक तो ज्योग्राफी पे डिपेंड किया था, इकोनॉमिक कंडीशन पे और रेवेन्यू जनरेशन पे, इसके अलावा जो है पॉवर्टी पे एंड वॉर एंड टेरर पे डिपेंड करके जो है NFC को, क्योंकि जिस यूनिट को जिस प्रोविंस को जितना जो है वो बजट चाहिए था उसके अकॉर्डिंग जो है NFC अवार्ड में एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की गई थी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि फेडरेशन जो है वो इक्वालिटी मेंटेन करती है फेडरेटिंग यूनिट्स में, ठीक है। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ द बाइकैमरल लेजिस्लेशन। बाइकैमरल लेजिस्लेशन कैसी होती है, फेडरेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो बाइकैमरल लेजिस्लेशन होती है, यानी कि पार्लियामेंट में अपर एंड लोअर हाउस होता है। तो अपर हाउस में जो है वो हमेशा इक्वालिटी बेस, यानी कि जितनी भी यूनिट्स होती हैं उनमें इक्वल जो है रिप्रेजेंटेशन होती है, और जो लोअर हाउस होता है वो पॉपुलेशन बेस होता है। अगर आप देखें पाकिस्तान को तो पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसमें भी यही है सिस्टम है कि जो लोअर हाउस है वो पॉपुलेशन बेस पे, यानी कि पंजाब का जो है उसमें डोमिनेंसी है, ठीक है। और अगर आप सेनेट को देखें तो सेनेट में तमाम प्रोविंसेस जो है उनके इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। सेम इन द केस ऑफ US, उसके भी जो लोअर हाउस है वो पॉपुलेशन बेस और अपर हाउस जो है उसमें 120 सेनेटर्स होते हैं, 50 स्टेट्स, और हर स्टेट्स में से उनकी जो है वो 2 जो है ना सेनेटर्स आते हैं। इसका मतलब ये है कि फेडरेशन में हमेशा जो है वो बाइकैमरल लेजिस्लेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। इसमें जितने भी लोग होते हैं जो कंट्री के अंदर रह रहे होते हैं उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, एक तो फेडरेटिंग यूनिट की होती है और सेकंड जो है वो सेंट्रल यूनिट की होती है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान में देखो तो पाकिस्तान में एक तो ये कि आप कहेंगे कि यू आर द पाकिस्तान है, ठीक है। सेकेंडली ये कि आप जिस जिस प्रोविंस से बिलोंग करते हैं उस प्रोविंस का जो एक सिटीजनशिप है या डोमिसाइल है वो आपका होता है, जैसे पंजाब को पंजाबी, बलोची, इस तरीके से, ठीक है। सेम इन द केस ऑफ जहाँ जहाँ भी फेडरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है वहाँ पे जो उनकी सिटीजन है उनको ड्यूअल सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है जी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे है, जैसे अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में मल्टी एथनिक ग्रुप जो है वो रह रहे हैं, यानी कि पंजाबी है यहाँ पे, बलोची है, पठान है, ठीक है, सिंधी है, हर तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट जब आप उनको एक फेडरेटिंग सिस्टम में लेकर आते हो तो उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देते हो सेनेट्स में, तो वहाँ पे जो जितनी भी डाइवर्सिटी है वो यूनाइट हो जाती है, यानी कि उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स है यानी कि जो उनकी इनइक्वालिटी है वो खत्म हो जाती है। तो सो फेडरेशन सिस्टम जो है वो यूनिटी को भी जो है वो प्रॉमिस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल राइट। प्रोटेक्शन कैसे होती है इंडिविजुअल राइट की, क्योंकि हर हर जो एरिया है वहां से लोग आए होते हैं, कुछ प्रोविजनल असेंबली में होते हैं, कुछ नेशनल असेंबली में होते हैं, कुछ सेनेट में बैठे होते हैं, तो वो अपने अपने जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस करते हैं और वो अपने अपने जो उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके जो गवर्नमेंट में लोग बैठे होते हैं दे आर द बेसिकली गार्डियन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, ठीक है, कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज। सो फेडरेशन जो है उसमें ये भी होता है कि प्रोटेक्शन में जो है वो प्रोटेक्शन करती है वो इंडिविजुअल राइट्स की। नेक्स्ट है कि डिवेलपमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, जहाँ पे प्रोविजनल जो एक होती है यूनिटरी लेवल पे
गवर्नमेंट आ जाती है, तो जैसे पाकिस्तान में ये है कि लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम है वो प्रोविंसेस को दिया गया है, तो यहाँ से लोग जो है, जो लोकल गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है गवर्नमेंट से, यानी कि अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट से। सो इस तरीके से जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी स्ट्रेंथ होती है। इसका मतलब ये है कि फेडरेशन जो है उसमें लोकल गवर्नमेंट की भी डिवेलपमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि इश्यूज क्या क्या होते हैं। समहाउ आपसे ये पूछा जाता है कि इश्यूज जो है आपकी फेडरेशन के साथ क्या है, पाकिस्तानी जो फेडरेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या इश्यूज हैं, या फिर क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो फेडरेशन में इश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इश्यूज विद फेडरेशन कौन से हैं। जब हम लोग 18 अमेंडमेंट करेंगे तो उसके साथ हम फेडरेशन के इश्यूज को अगेन से डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से हम इन डिटेल देखते हैं और 18 अमेंडमेंट के साथ जो है हम कनेक्ट करके फिर किसी लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिस्प्यूट अमंग यूनिट्स, जो यूनिट्स हैं यानी कि जो प्रोविंसेस हैं उनके दरमियान जो है वो इश्यूज आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आपको करवा रही हूँ वो मोस्टली जो है वो पाकिस्तान बेस्ड करवा रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ के आपके जो फेडरेशन सिस्टम, क्योंकि आपके पाकिस्तान में फेडरेशन एग्जिस्ट करता है, सो आपसे जो एग्जामिनर पूछता है वो इश्यूज भी फेडरेशन, इश्यूज ऑफ फेडरेशन विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान ही पूछेगा। सो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि जनरल क्वेश्चन आ जाए और आप उसमें सिर्फ पाकिस्तान की सारी एग्जांपल्स दे दो। हाँ, आप दे सकते हो, बट आपने उसमें डाइवर्सिटी करनी है। ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान में के हवाले से आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ही कंसीडर करना है। डिस्प्यूट्स हम जो अगर देखते हैं यूनिट्स में, तो यूनिट्स में क्या होता है कि प्रोविंसेस जो है उनकी आपस में समहाउ डिस्प्यूट्स होते हैं, या फिर जो यूनिट है या फेडरल उनके दरमियान जो है वो डिस्प्यूट होता है। अगर हम फर्स्ट केस देखें कि जो यूनिट्स है उनके आपस में क्या क्या डिस्प्यूट्स हैं, तो वो है जी वाटर डिस्प्यूट है। ठीक है, और सेकेंडली अगर हम देखें तो उसमें आता है एजुकेशनल डिस्प्यूट, जिसमें जो है सेंटर और प्रोविंस जो है वो एग्री नहीं है। क्यों एग्री नहीं है? क्योंकि 18 अमेंडमेंट में ये हुआ था कि जो एजुकेशनल वाला सेक्टर था वो उठा के प्रोविंसेस को दे दिया गया था, बट सिंगल नेशनल करिकुलम जैसे ही आया तो ये जो डिसीजन था ये फेडरल का यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का था, और प्रोविंसेस इससे एग्री नहीं थे क्योंकि उनको ये लगता था कि क्योंकि वहां पे एजुकेशन जो है वो एजुकेशन सेक्टर जो है वो प्रोविंसेस के पास है, सो सेंटर जो है वो इंटरफेयर कर रहा है। तो यहाँ पे जो डिस्प्यूट है वो स्टार्ट हो गया। दिस इज द बेसिक इशू। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। हाउ इट इज एक्सपेंसिव? आपको पता है कि आपके प्रॉपर जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिसमें लेजिस्लेचर का जो हाउस है, एग्जीक्यूटिव हाउस है, जुडिशियल सिस्टम है, प्रॉपर एक डबल लेवल सिस्टम पे है आपका जो है वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि प्रोविजनल असेंबली है आपकी, सेंट्रल असेंबली है आपका, एग्जीक्यूटिव है गवर्नमेंट लेवल पर है, सेंट्रल लेवल पर है, प्रोविजनल लेवल पर है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को इतना बजट भी एलोकेट करना पड़ता है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए, अपनी पॉलिसीज को कंटिन्यू करने के लिए, ताकि जो अनब्रोकन सिस्टम है वो कंटिन्यू हो सके। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है उस पर जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो बर्डन पड़ता है। सो फेडरेशन इज द somehow expensive form of the government. Next ये है कि हमारे पास मल्टीपल पार्टी सिस्टम जो होता है, इसमें पार्टीज जो है नंबर ऑफ पार्टीज इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और जब नंबर ऑफ पार्टीज इंक्रीज होती हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर डिस्प्यूट्स जो है वो इंक्रीज होते हैं, और जब डिस्प्यूट्स इंक्रीज होते हैं तो ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है, जब ब्लेम गेम स्टार्ट होती है तो इंटरनेशनल लेवल पे भी आपका जो इमेज है पाकिस्तान का वो खराब हो जाता है। यानी कि अभी आप पाकिस्तान में करंट सिचुएशन में देख लो तो मल्टीपल जो पार्टीज हैं वो आई हुई है। अच्छा बच्चों, एक काम आपने करना है, पेपर में किसी भी पार्टी के नाम नहीं लिखना, किसी भी पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाना आप, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट के खिलाफ नहीं जाना। मल्टीपल पार्टी सिस्टम जरूर लिखा हुआ है, ब्लेम गेम का भी आपने जिक्र करना है, बट कभी भी किसी स्पेसिफिक पार्टी को टारगेट नहीं करना। ठीक है, ये आपको जो है एक बेसिक इशू होता है जो कुछ बच्चे जो है वो डायरेक्टली लिख लेते हैं, लेकिन आपने कभी भी ये काम नहीं करना है कि आप किसी गवर्नमेंट को आप लिख लो कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट या नून लीग गवर्नमेंट उसने ये किया या उसने ये किया या उनकी पार्टी ने ये किया, ये चीजें आपने अवॉइड करनी है पेपर में। ठीक है, अच्छा तो नेक्स्ट हम जो इश्यूज विद फेडरेशन करने वाले हैं वो है जी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज क्या होती हैं? अब जैसे देखें एनएफसीए अवार्ड, एनएफसीए अवार्ड में क्या हुआ है, जो कुछ भी हुआ है सबसे हटकर सबसे ज्यादा जो भी बजट मिला है वो अगेन जो है वो पाकिस्तान में से पंजाब को ही मिला है। यानी कि पंजाब जो है पहले भी जो था बजट ले रहा था, लेकिन एनएफसीए अवार्ड के बाद भी जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, ठीक है, एंड मल्टीपल इश्यूज जो थे वो उनके फैक्टर्स जो थे उसकी वजह से जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिला है वो
वो भी पंजाब को ही मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब जो है वो थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अगर पंजाब के कंपैरिजन करें विद रिस्पेक्ट टू बलूचिस्तान, तो हमें पता चलेगा कि पंजाब और बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो वी कैन से दैट सम प्रोविंसेस आर गेटिंग मोर फंड ड्यू टू रेवेन्यू जनरेशन, हेंस यूनिट्स आर द अनइक्वल इकोनॉमिकली, यानी कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज जो है वो जनरेट हो रही है। लास्ट है हमारे पास इसमें हम देखेंगे इश्यूज ऑफ द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस। कुछ बड़े प्रोविंसेस ऐसे हैं जहाँ पे एक साइड की जो है वो फंड को लगाया जाता है और दूसरी साइड को इग्नोर किया जाता है। तो इस केस में कुछ बहुत सारे लोग जो है ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि हमारे जो न्यू प्रोविंस जो है वो होने चाहिए। और पाकिस्तान में एक लॉन्ग टाइम से जो है वो क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस पे जो है वो बहस हो रही है, डिबेट काफी टाइम से चल रही है। सो ये भी एक इशू है फेडरेशन में कि जब क्योंकि इक्वल लेवल पे लाने के लिए फेडरेशन में अपनी गवर्नमेंट कायम करने के लिए इतने बड़े एरिया को देखने के लिए जो लोग हैं वो एथनिक बेस पे या फिर लिंग्विस्टिक बेस पे जो है वो क्रिएशन अपनी प्रोविंसेस की जो है ना उन्होंने डिमांड स्टार्ट कर दी है, जो कि उनकी नजर में तो रॉन्ग नहीं है, बट ऑन द बेस ऑफ द एथनिक एंड ऑन द बेस ऑफ द लिंग्विस्टिक दे आर द रॉन्ग। सो इट इज आल्सो इशू इन द फेडरेशन सिस्टम। सो ज्यूडिशियल इश्यूज में क्या है कि सम हाउ जब आपकी जुडिशरी जो है वो इंटरफेयर करती है आपके सिस्टम में, आपके पार्लियामेंट में, आपके एग्जेक्टिव में, तो इसका मतलब ये है जो इतने सारे लोगों ने इलेक्ट किया है, जो अपने मेंबर्स पार्लियामेंटेरियंस जो उनको जिनको इलेक्ट किया है उनको रिजेक्ट करके जुडिशल जो है वो एक चंद लोगों के फैसला जो है उस पर डिसीजन पे आ जाती है। सो उनके जुडिशियल के जो डिसीजन होते हैं उनसे बहुत सारे लोगों को एतराज होता है। सो देयर आर आल्सो दिस जुडिशियल इश्यूज इन द फेडरेशन। नेक्स्ट ये है कि प्रेफरेंस ऑफ द पर्सनल इंटरेस्ट। जब इतने सारे लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में आ जाएंगे, जब इतने सारे लोग गवर्नमेंट में आ जाएंगे, तो सम हाउ ह्यूमन नेचर है कि वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पहले प्रेफर करेंगे, देन जो है वो स्टेट अफेयर्स को जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट है जी एथनिक इश्यूज। पार्लियामेंट में भी, इवन प्रोविजनल असेंबलीज में भी बहुत ज्यादा जब लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं तो कुछ जो सेग्रीगेशन हुई होती है वो बेसिकली एथनिक बेस पे भी होती है, एथनिक इश्यूज भी होते हैं। सो फेडरेशन में जब मल्टीपल पार्टी का सिस्टम होता है तो वहाँ पे एक इशू ये भी होता है कि वहाँ पे एथनिक इशूज जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि हर लेवल पे अकाउंटेबल जो है वो एक इंस्टीट्यूट नहीं बनाया जा सकता, यानी कि गवर्नमेंट के पास इतने एनफ जो है ना वो एक रिसोर्सेज नहीं होते कि वो ऊपर से लेके नीचे लेवल तक, यानी कि सेंट्रल लेवल से लेके फिर प्रोविजनल लेवल, फिर लोकल गवर्नमेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब हर लेवल पे जाके जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी के लिए इंस्टीट्यूट बना सके। सो वहाँ पे जो है एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी होती है। तो ये थे हमारे पास बेसिक उसकी फेडरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम, इससे आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान के लिए जो है वो कौन सा सिस्टम जो है वो ठीक रहेगा। पहले आप उनके डीप आइडियाज इनको डिस्कस हम कर लेंगे और उसके बाद हम लोग की विच फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ट फॉर द पाकिस्तान, ठीक है। तो हम लोग जो है उसको भी देख लेंगे, उसकी एक प्रॉपर आउटलाइन बना लेंगे और फर्दर टॉपिक्स जो जो भी आप लोगों ने कहे हम इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो टॉपिक्स आपने पढ़ने हुए इससे हट कर जो मैं आपको करवाने में कोशिश करूँगी कि आपको कंप्लीट करवा दूँ, लेकिन इससे हट कर अगर आपने कोई टॉपिक्स करने हुए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक हमारी जो वीडियोज़ हैं वो पहुँचती रहें और आपको जो है ना जितनी भी वीडियोज मैं बना रही हूँ उसका बेनिफिट होता रहे। ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।